बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज शेयर करूँगी मैं आपसे अपना डेली रूटीन ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं अपने बेडरूम में आई हूँ और मैंने आज बेडशीट रिमूव करनी थी और दूसरी वो बेडशीट सेट करनी थी, तो मैं अभी दूसरी बेडशीट सेट करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, यहाँ पर मैं बेडशीट अपनी सेट कर चुकी थी और ये कुछ कपड़े थे जो मैंने कल वॉश किए थे, तो वो मैं सूख गए थे, तो वो मैं उतार के अपने रूम में ले आई ताकि मैं साथ साथ ही अपने रूम को भी समेट लूँ और जो जो रूम के काम है वो यहीं पे कर जाऊँ। बाद में मुझे किचन में काम था, इस वजह से मैं रूम के काम यहीं अभी समेट रही थी। ये कपड़े वगैरह मैंने तय लगा दिए, अपने भी अपने हस्बैंड के भी, तो वो कबर्ड्स के अंदर मेरे कपड़े मेरे कबर्ड में जाने थे और हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड के कबर्ड में। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया था वेजिटेबल्स बाय करने के लिए मार्केट, तो वो ले आए थे, तो मैं किचन में आ गई। किचन में आज मेरा बहुत काम था क्योंकि वेजिटेबल्स सब आती हैं, तो आपको भी पता है कि वो उनको धोना, ड्राई करना, फिर उनको उनकी जगह पे रखना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। साथ साथ मैं आज का मेरा मेन्यू था चिकन कढ़ाई, तो मैं उसकी चीज़ें भी सेपरेट साथ साथ कर रही थी, कितने टमाटर ऐड करूँगी, कितनी हरी मिर्च, कितना कुछ प्याज वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैं अलग से रख रही थी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि लेमन पहले से भी थे लेकिन हस्बैंड और लेमन वगैरह ले आए। फिर खैर मैं साथ साथ चिकन कढ़ाई के लिए जो सामान अलग से किया उसकी कटिंग शुरू कर दी। और यहाँ पर मैंने चिकन कढ़ाई बनने के लिए उसके अंदर ही टमाटर और प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट और चिकन और स्पाइसेस वगैरह ऐड करके उसको बनने के लिए रख दिया। और जो वेजिटेबल्स थी उनको उनकी जगह पे रख दिया, ड्राई हो गई थी। और साथ साथ फिर जो धनिया और पुदीना था मैंने सोचा उसको भी खड़े खड़े बना लेती हूँ, और बना के फिर मैंने उनको वॉश कर लिया और उनके कंटेनर को भी अच्छे से वॉश कर लिया, ड्राई करने के लिए रख दिया जिसमें वो पहले से फ्रीज थे और जिसमें उनको मैंने पहले रखा हुआ था फ्रिज के अंदर। साथ साथ मैं चिकन कढ़ाई चेक कर रही थी क्योंकि पानी ड्राई होने वाला था, आप देख सकते हैं। और टमाटर वगैरह को भी अच्छे से पीस रही थी ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और कोई कमी ना रहे। फिर उसके बाद मैंने इनको उसको भूनना था, फ्राई करना था। इतनी देर में कंटेनर के अंदर मैंने पुदीना और धनिया वगैरह रख दिया और मैंने सोचा कि मैं अभी इनको फ्रीज़र वगैरह में रख दूँ ताकि ये फ्रीज़र में फ्रीज़ हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि साथ साथ मैं शेक भी बना लेती हूँ, अभी चिकन कढ़ाई बनने में टाइम था। ये मैंने उसके लिए ऊपर धनिया और हरी मिर्च निकाल ली थी जो चिकन कढ़ाई के ऊपर डालनी थी। ये एक बनाना था जो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने रिमूव करके अपने हेयर मास्क के लिए रख लिया। यहाँ पर मैंने कुछ एप्पल्स थे वो कट करके हस्बैंड को दिए और यहाँ पर मेरी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है, इसकी फ़ाइनल लुक थी। फिर मेरे हस्बैंड नान बाहर से लेकर आए और हमने दोपहर का खाना इन्जॉय किया। यहीं पर करती हूँ ब्लॉक एंड अल्लाह हाफिज़।